गाइज वेलकम टू सौर्यव्यू। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यू इको 2022 वेरिएंट जो रिसेंटली में अभी अभी लॉन्च हुई है। इसमें ना काफ़ी चेंजमेंट हुए हैं पावर में भी और इंजन में भी और इंटीरियर में भी और सेफ्टी फीचर में भी काफ़ी चेंज हुए हैं। जो पहले सेफ्टी फीचर आते थे ना नथिंग आते थे इसमें, जो अब आ रहे हैं ना 11+ सेफ्टी फीचर आते हैं। इसका आज की डेट में इंजन है ना वो डबल जेट इंजन कर दिया है और जो इसकी पावर और टॉर्क जो पहले थे पावर देती थी पहले 72 BHP की पावर देती थी और 98 NM का टॉर्क देता था जो पेट्रोल वेरिएंट था। CNG की तो अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। पेट्रोल में जो देता ना पहले इतना ही देता और आज जो ये गाड़ी देती है ना पावर और टॉर्क 80 BHP की पावर देती है और 104 NM का टॉर्क देती है। बाकी अपनी गाड़ी ना कुछ ऐसी दिखाई देती है, कोई बाहर से तो आपको मतलब एक्सटीरियर से आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा देखने के लिए। जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना वो हुआ है इसका रेडिएटर में। रेडिएटर अगर जो बाहर से देखोगे ना तो पहले से थोड़ा बड़ा कर दिया है और इसका केबिन है ना आजकल काफ़ी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। बाकी रेडिएटर देख सकते हो फुल्ली आपको मिल जाता है और यहीं पे ना आपको हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाती है। और फ्रंट से अपनी इको CNG और ये पेट्रोल CNG दोनों वेरिएंट आपके सामने, जिनके बीच में एक कंपेरिजन वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये CNG में पड़ जाती है और ये पेट्रोल में। और जो CNG में पावर और टॉर्क थे ना पहले वो 62 BHP की पावर थी और 85 NM का टॉर्क था और जो आज देती है ना ये गाड़ी इंक्रीज हो गया है भाई और इंजन भी बढ़ के आया है तो 71 BHP की पावर और 95 NM का टॉर्क तो ये इंक्रीज हो के आया है। बाकी अपनी साइड से ना अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है, कोई भी चेंज नहीं है। और फ्रंट से अपनी गाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, दोनों में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी पहले बात कर लेते CNG की। CNG में आपको क्या देखने को मिलता है फ्रंट में? फ्रंट में आपको एक सुजुकी का लोगो मिल जाता है, फ्रंट में आपको एक सुजुकी का लोगो मिल जाता है और यहीं पर मिल जाती है आपको CNG की बैचिंग। कुछ ऐसी दिखाई देती है, गाड़ी थोड़ी गंदी लग रही होगी क्योंकि ये अभी PDI में ही खड़ी हुई है, अभी डिलीवरी के लिए गई नहीं है। देख सकते हो ये PDI है अपनी जिसमें गाड़ियों का स्टॉक रहता है। और ये है पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल में आपको CNG की बैचिंग तो मिलेगी नहीं क्योंकि ये CNG वेरिएंट है ही नहीं। तो फ्रंट से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है, सेंटर में मिल जाता है आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पे मिल जाती है आपको एक लाइट और यहाँ पे मिल जाती है साइड इंडिकेटर। बम्पर मिलता है आपको ब्लैक कलर का और ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है यहाँ पे। अपनी फ्रंट से ना दो गाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखाई देती है और साइड से बात की जाए ना साइड से अपनी गाड़ियाँ कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये CNG वेरिएंट है जो आपको दिख रहा है ना ये यहाँ पे, तो ये CNG वेरिएंट है। इसके साइड में जो उधर की साइड में वो पेट्रोल वेरिएंट है। साइड से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे मिल जाता है आपको ORVM और यहाँ मिल जाता है ब्लैक कलर का हैंडल, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये इसमें कोई भी पावर विंडो नहीं आती है कोई सी भी। और इसके टायर साइज की बात की जाए ना टायर साइज मिल जाते हैं आपको R13 के टायर मिल जाते हैं सिल्वर रिम के साथ में। जो इसके टायर आए ना जो अब चेंज हो गए हैं वो ट्यूबलेस टायर कर दिए हैं, पहले ट्यूब वाले आते थे अब ट्यूबलेस टायर कर दिए हैं। ये चेंज हुआ है इसमें दोनों गाड़ियों में जो भी अब न्यू वेरिएंट आया 2023 वेरिएंट बोल सकते हैं उसको। बाकी चलते हैं इसके अंदर। साइड डोर ना कुछ ऐसा दिखता है जो आपको फुल्ली ब्लैक मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है मैनुअल मिल जाता है आपको खिड़की अप एंड डाउन करने के लिए, ये ब्लैक कलर का मिल जाता है और ये भी आपको मैनुअली मिल जाता है, कोई नहीं मिलती है। बाकी इंटीरियर अपना कुछ ऐसा दिखाई देता है, पहले से चेंज दिख रहा होगा आपको, काफ़ी चेंज लग रहा होगा, मीटर भी चेंज लग रहा होगा और ये डैशबोर्ड भी काफ़ी चेंज लग रहा होगा क्योंकि इसमें ना डुअल एयरबैग कर दिया है, डिजिटली मीटर कर दिया है इसका। बाकी जानेंगे इसके बारे में थोड़ी देर में। सेकंड डोर जो आपको मिलता है ना वो मिल जाता है स्लाइडिंग के साथ में और पीछे की साइड में स्लाइडिंग मैं बता देता हूँ एक बारी, कुछ ऐसे खिलता है अपना ये डोर और इसकी सीट कुछ रियर की कुछ ऐसी है। और बाकी चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। बाकी रियर से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाती है आपको CNG की बैचिंग और यहाँ पे मिल जाता है सुजुकी का लोगो, ये आपको पियानो ब्लैक में मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है इको की बैचिंग, ये आपको टेल लाइट मिल जाती है, यह मिल जाती है आपको ब्रेक लाइट, यह मिल जाती है आपको साइड इंडिकेटर और यह मिल जाती है आपको बैक लाइट, कुछ ऐसी मिलती है। बम्पर मिलता है आपको ब्लैक कलर का, दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इसमें कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं आता है, के बारे में जान लिया। बाकी चलते हैं इसकी पेट्रोल वेरिएंट पर। पेट्रोल का वेरिएंट कुछ ऐसा दिखता है,
फ्रंट से तो बात कर चुके हैं, साइड से ना अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। पेट्रोल वेरिएंट दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में आपको फेंडर पे मिल जाते हैं साइड इंडिकेटर, और यहाँ पे मिल जाते हैं मैनुअली मिल जाते हैं ORVM, ब्लैक कलर का ही मिल जाता है यहाँ पे डोर ओपनर, और कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। सारे के सारे पिलर, जितने भी पिलर हैं ना, चारों पिलर आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। बाकी इसके डोर की बात कर लेते हैं, डोर कुछ ऐसा दिखाई देता है। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों में बस एक ही चेंज है, CNG और पेट्रोल का, दोनों एक ही वेरिएंट है। ये भी आपको मैनुअल मिल जाता है, ये भी मैनुअल मिल जाता है, ब्लैक कलर का डोर मिल जाता है और ब्लैक कलर का ये मिल जाता है मैनुअल। पर ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है, लुक जो ना पहले से अच्छा दिया है। तो इंटीरियर अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इसका भी सेम दिखता है, बस यहाँ पे ना उसमें CNG वेरिएंट में यहाँ पे CNG का स्विच मिल जाता है, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी चलते हैं इसकी सेकंड रो में, सेकंड रो भी सेम ही मिलती है, और स्लाइडिंग के साथ में आपको डोर मिल जाता है। बाकी चलते हैं इसकी रियर साइड में, रियर में कुछ ऐसा मिलता है देखने को, दोनों बस मैंने बताया ना कि ओनली जो फर्क मिलता है ना वो CNG का लोगों का मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है, दोनों गाड़ियाँ सेम है। बाकी चलते हैं इसके इंटीरियर में, पहले CNG के बारे में जानेंगे, उसके बाद पेट्रोल के बारे में। तो CNG वेरिएंट कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसमें मैंने बोला था ना उसमें ये मिल जाता है, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको CNG से पेट्रोल, पेट्रोल पे CNG पे करने के लिए स्विच मिल जाता है। लाइट लेवलर दोनों में ही सेम मिलता है, इसकी की दोनों की ही सेम ही है, सेम ही मिलती है। स्टेयरिंग कुछ ऐसा मिलता है, स्टेयरिंग में थोड़ा बहुत चेंज है, पहले से अच्छा कर दिया। सीट कुछ ऐसी मिलती है, स्लाइडिंग के साथ में आपको सीट मिल जाती है, ना कोई हाइट एडजस्ट का मिलता है, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं मिलता है इसमें। और ये मिल जाती है आपको को ड्राइवर सीट, हेडरेस्ट आपको फिक्स ही मिलते हैं। बाकी चलते हैं इसके अंदर, अब इसकी MID कुछ ऐसी दिखाई देती है, स्टार्ट कर लेते एक बारी। तो इसकी MID है ना वो डिजिटल कर दी है, पहले से चेंज यही हुआ है यहाँ पे मीटर में जो चेंज हुआ है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको एजर्ट लाइट का ऑप्शन, जो पहले आता था ना वो यहाँ पे आता था, अब ये चेंज करके यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे पहले छोटा सा स्पेस मिल जाता था कुछ भी सामान रखने के लिए, उसकी जगह ना एक सेफ्टी फीचर ऐड कर दिया है, यहाँ पे एयर बैग लगा दिया। अब ये गाड़ी ना डुअल एयर बैग में आती है, और ABS EBD जैसे सेफ्टी फीचर ऐड किया है, चाइल्ड लॉक पहले भी आता था अब भी आता है, बाकी जो अब सेफ्टी फीचर ऐड किया ना वो काफी अच्छा किया है। सनराइजर कुछ ऐसा मिलता है एयर बैग की बैचिंग के साथ में, जो हैंडल मिल जाता है कुछ ऐसा मिलता है, को ड्राइवर साइड का डोर कुछ ऐसा ही दिखते को मिलता है, डबल टोल में आपको मिल जाता है ये डैशबोर्ड, और यहाँ पे मिल जाता है AC वेंट, और यहाँ पे मिल जाता है मैनुअल AC, कुछ ऐसा दिखने को मिलता है, इसको कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं। जो कोई भी लगाना चाहते हो ना, यहाँ स्टूडियो लगवा सकते हो आप अपना, और यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कॉइन वगैरह रखने के लिए, उसी के जस्ट नीचे मिल जाता है आपको थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है, ऐसा कुछ देंगे। 5-speed मैनुअल के साथ में गाड़ी आती है, ये इको जितनी भी गाड़ी है ना सारी की सारी मैनुअल ही आती है, और ये मिल जाता है व्यू मिरर कुछ ऐसा मिलता है, और एक यहाँ पे मिल जाती है लैंप, और जो इसकी हैंड ब्रेक है ना कुछ ऐसी मिलती है, पार्किंग ब्रेक भी इसको बोलते हैं, कुछ ऐसा देखने को मिलता है अपना डैशबोर्ड। और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाता है एक AC इवेंट, यहाँ पे मिल जाता है आपको एक पेट्रोल से CNG से पेट्रोल पे करने के लिए स्विच, और यहाँ पे मिल जाता है बोनट ओपनर मिल जाता है एक, तो यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे सनवाइजर, और यहाँ पे मिल जाता है स्पेस थोड़ा सा, अगर जो आप स्पीकर लगवाना चाहते हो ना तो ये स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है दोनों साइड में, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों की तरफ मिल जाता है आपको। फ्रंट में कुछ ऐसा ही मिलता है, इतना ही देखने के लिए मिलता है। बाकी चलते हैं पेट्रोल वेरिएंट पे, अब पेट्रोल वेरिएंट कुछ ऐसा मिलता है देखने के लिए, दोनों के दोनों सेम ही मिलते हैं, फिक्स एड्रेस के साथ में सीट मिल जाती है दोनों के दोनों, और डैशबोर्ड कुछ ऐसा ही मिलता है। यहाँ पे बस उसमें जो चेंज हुआ है ना वो मिल जाता है, यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है पेट्रोल से CNG से पेट्रोल पे ट्रांसफर करने के लिए, ये लाइट लेवलर मिल जाता है यहाँ पे, दोनों की सेम ही मिलती है। और चलते एक बार देख लेते हैं अंदर चल के, तो भाई देख सकते हो कुछ डैशबोर्ड ना दोनों का ही सेम मिलता है, बस पेट्रोल और CNG का फर्क है, दोनों 5-seater AC तो है ही है दोनों, बट उसमें CNG मिल जाती है, और इसमें ओनली पेट्रोल वेरिएंट है ये।
रियर व्यू मिरर कुछ ऐसा ही मिलता है मैनुअल, और ये मिल जाता है एक लैंप, मिल जाते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं एक सनवाइजर विद एयरबैग की बैचिंग, और ये मिल जाता है एक हैंडल देखने को मिल जाता है। को ड्राइवर साइड का डोर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे मिल जाती है आपको एयरबैग की बैचिंग और एयरबैग यहाँ पे मिल जाता है। डुअल एयरबैग में आ गई है गाड़ी, काफी चेंज हुआ है और इंटीरियर में यू है। हेजर्ट लाइट पहले यहाँ पे आती थी, अब यहाँ पे आने लग गए, ये चेंज हुआ है। दोनों गाड़ियां ना सेम ही मिलती है देखने के लिए, देख सकते हो एसी मैनुअली मिल जाता है, और ये भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे मिल जाता है बोनट ओपनर, और यहाँ पे मिल जाता है वाइपर कंट्रोल, और यहाँ पे मिल जाते हैं हेडलाइट कंट्रोल। हॉर्न दोनों में ही सेम मिलता है, सिंगल हॉर्न मिलता है, यहाँ पे मिल जाते हैं एयरबैग की बैचिंग, दोनों ही सेम गाड़ियां हैं। बाकी चलते हैं अब रियर सीट पे। तो भाई कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, जो चेंज हुआ है ना इसके टायर में भी वो कर दिया चेंज, और जो इसका स्लाइडिंग डोर है ना उसमें मिल जाता है आपको चाइल्ड लॉक, अपने अकॉर्डिंग ना इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। बाकी ये सीट कुछ ऐसी ही मिलती है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो फिक्स मिल जाते हैं, केबिन कुछ ऐसा मिलता है देखने को। बाकी चलते हैं अब अंदर केबिन में ना। भाई मैंने ना सीट काफी अपनी हाइट से भी ज्यादा ना काफी पीछे कर रखे, फिर भी ना आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है दोनों में देखने के लिए। तीन चार तो इको में बैठ ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे एक ग्रैप के लिए हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको ग्रैप के लिए हैंडल, और यह मिल जाता है एक लैंप रियर में, कुछ ऐसी मिलती है। रियर से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। बाकी चलते हैं पेट्रोल वेरियंट पर। पेट्रोल वेरिएंट भाई कुछ ऐसा दिखता है, दोनों ही सेम मिलते हैं, वहाँ पे आपको हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको लैंप मिल जाती है, और इधर की साइड में मिल जाता है आपको एक हैंडल पकड़ने के लिए। तो दोनों ही सीट में बराबर स्पेस मिल जाता है, सेम टू सेम सारा का सारा सेम टू सेम मिलता है। बूट कुछ देख लेते हैं ऐसा मिलता है, इसमें मिल जाता है आपको सीएनजी, ये ना चाबी से अनलॉक लॉक होता है। बाकी बूट अपना ऐसा मिलता है, इसमें मिल जाते हैं, ये सीएनजी गाड़ी है, इसमें मिल जाता है आपको सीएनजी का सिलेंडर 12 केजी का मिलता है। जो मैक्सिमम सीएनजी आते हैं ना इसमें वो आती है 8 से 8.5-9 केजी तक, जो बढ़िया प्रेशर दे रहा होगा ना उसमें 9 केजी तक आ जाती है, बाकी 8-7.5 तक ही आती है। जो सीएनजी में इसकी एवरेज है वो एवरेज है आज की डेट में 26 की एवरेज देती है गाड़ी, काफ़ी बढ़ा के दी है, पहले 20-22-23 की देती थी, और अब जो बढ़ के आई है ना वो आई है 26 की। बाकी अब देख लेते हैं पेट्रोल वेरिएंट का। बूट भाई कुछ ऐसा मिलता है पेट्रोल वेरिएंट का, इसमें ना आप चाहते हो तो सीएनजी बाहर से फिटमेंट करा सकते हो, पर वो ना सक्सेस नहीं है, इसलिए आपको जो वेरिएंट लेना है ना वो पेट्रोल सीएनजी में लेना है तो सीएनजी में ही परचेज करें कंपनी से, और पेट्रोल में रहना है तो पेट्रोल में ही ले। बाकी इसमें ना आप सीट ना बाहर से लगवा सकते हो, इसको ना 7 सीटर गाड़ी आप बना सकते हो। बाकी इतना सब मिलता है अपनी न्यू इको में देखने के लिए। और जो मेरे को ना एक कमेंट आई थी कि इसमें अगर जो फ्रंट की पावर विंडो कर देते ना तो इसकी ना सेल बढ़ जाती, तो जो है वो ये है कि अगर जो इस गाड़ी का फ्रंट पावर विंडो कर देंगे ना तो इसकी वैल्यू ना बढ़ जाएगी, और सेफ्टी के लिए भी ठीक ही है, वो बढ़िया गाड़ी लगेगी। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी और किसी को परचेज करनी हो ना मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।